नमस्कार, YouTube चैनल सोशल टेक्निकल वर्क SSR पर आपका स्वागत है। अक्सर देखा गया है कि जब भी हमारे व्हीकल में टायर बदलने की बारी आती है, तब हमारा दिमाग जलेबी की तरह घूमने लगता है कि हमें किस कंपनी का और किस डिज़ाइन वाले टायर को लेना चाहिए। मार्केट में दर्जनों ऐसी कंपनियां हैं जो टू व्हीलर के लिए बेहतर टायरों का निर्माण कर रही है। अपने व्हीकल में टायर लगाने के पहले हमें कुछ खास बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है, जैसे कि हमें ऑन रोड चलना है या हमें ऑफ रोड सवारी करनी है, या फिर हमें ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों पर चलना है, हमें सिंगल सवारी करनी है या फिर लोड लेकर चलना है, हमें रेसिंग करनी है या नॉर्मल स्पीड में चलना है, या फिर हमें ब्रांडेड टायर लेने हैं या क्वालिटी पर ध्यान देना है, क्योंकि कई बार ब्रांडेड टायर भी ख़राब होते देखे गए हैं। टायर के साइज और बनावट तथा कटिंग का हमारे व्हीकल और हमारे सेफ्टी, उसके माइलेज आदि के साथ गहरा संबंध है। यही कारण है कि प्रत्येक व्हीकल निर्माता कंपनी व्हीकल के ऑनर बुक में ही उसके रखरखाव और फ्रंट तथा रियर टायर साइज आदि के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश दे देती है। हमें उसके दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। आइए पहले हम फ्रंट टायर की बात करते हैं। फ्रंट टायर ड्राइवर की तरह होता है, जो हैंडल के साथ और पूरे व्हीकल के साथ एक बैलेंस बनाकर हमें स्मूथ राइडिंग तथा स्मूथ टर्निंग देता है। यही नहीं, फ्रंट टायर माइलेज पर भी नज़र रखता है। एक समय था जब सभी टू व्हीलर के फ्रंट में प्लेन कटिंग वाले यानी रिप ग्रिप वाले टायर ही लगे होते थे, और आज भी ऐसे टायर कुछ परिवर्तन के साथ मार्केट में खूब चल रहे हैं। अपनी विशेष बनावट के कारण इन टायरों की डिमांड मार्केट में बहुत अधिक है। अब टू व्हीलर की स्पीड काफ़ी बढ़ गई है और उसी के अनुरूप फ्रंट टायर के लिए भी अब जेपर ग्रिप का यूज किया जाने लगा है। आज के अधिकांश टू व्हीलर में जेपर ग्रिप वाले टायर ही लगे मिलते हैं। आप यहां देख रहे हैं, सभी टू व्हीलर के फ्रंट में जेपर ग्रिप वाले टायर लगे हुए हैं। यही नहीं, कुछ व्हीकल के रियर में भी जेपर ग्रिप वाले टायर ही देखे जा सकते हैं। लगभग सभी कंपनियां भी फ्रंट के लिए इन्हीं दो ग्रिपों वाले टायर का रिकमेंड करती है। इसका कारण यह है कि ऐसे टायर की बनावट ऐसी होती है कि चलते समय इनके बीच का एक इंच चौड़ा हिस्सा ही रोड के संपर्क में रहता है, जिस कारण ये अच्छा माइलेज देते हैं। यह बबलिंग या जर्किंग महसूस नहीं होने देता है। अपनी विशेष बनावट के कारण ये टायर बहुत कम घिसते हैं, लेकिन जेपर ग्रिप वाले टायर के घिस जाने पर वह अधिक चिकना हो जाता है और हाई स्पीड में थोड़ी सी भी असावधानी दुर्घटना का कारण बनती है। इस टायर के कीचड़ और रेत में फंसने की भी संभावना अधिक रहती है। सड़क पर चलते समय हाई स्पीड या माइलेज से बढ़कर आपकी सुरक्षा है, इसलिए आप गहरे कटिंग वाले जेपर ग्रिप या रिप ग्रिप टायर को फ्रंट में लगाएं। स्क्रीन पर दिखाए गए सभी टायर फ्रंट के हैं और सामान्य स्पीड में सड़क पर अच्छी पकड़ बनाकर चलते हैं तथा बेहतर माइलेज देते हैं। कीचड़ या रेतीले वाले भागों में इन टायरों को भी फ्रंट में लगाया जा सकता है। अब तक हमने फ्रंट टायर की बात की है, आइए अब हम रियर टायर की बात करते हैं। किसी भी टू या थ्री व्हीलर का 60% भार रियर टायर पर ही होता है। अगर लोडेड व्हीकल की बात करें तो उसका 80% भार रियर टायर पर होता है। व्हीकल के बैलेंस और माइलेज तथा लोड को रियर टायर भी नियंत्रित और संतुलित करता है, इसलिए रियर टायर का चुनाव भी संभल कर करें। रेसिंग वाले बाइक में जेपर ग्रिप वाले टायर ही रियर में भी लगे होते हैं, लेकिन उनके राइडर सेफ्टी के साथ होते हैं और उनका एकमात्र मकसद होता है रेस जीतना। अगर आप हल्के लोड के साथ सामान्य गति से व्हीकल चलाते हैं तो इस तरह की हल्की छोटी गोटी वाले टायर रियर में यूज। लोड लेकर चलने वाले बाइक उससे कुछ मोटी गोटी पर आएँ, और अगर रेतीले या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो एंगल या स्क्वायर कटिंग और मोटी गोटी वाले टायर रियर में लगाएँ। पानी और कीचड़ वाले रास्तों के लिए आप इन टायरों को फ्रंट और रियर दोनों में लगा सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं टायर के शोरूम में। टायर के लिए हमने 2-3 दुकानों में उसके रेट और क्वालिटी के बारे में जानकारी ले ली है और अब इस शोरूम में आए हैं। आरंभ से अंत तक इस दुकानदार भाई जी का रवैया बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ प्रत्येक व्हीकल के सभी टायर अवेलेबल हैं। हम पहले फ्रंट टायर देखेंगे और आप देख रहे हैं ये सभी फ्रंट टायर हैं और जेपर ग्रिप वाले हैं। ये सभी जेपर ग्रिप वाले फ्रंट टायर और यहाँ ऊपर में रिप ग्रिप वाले फ्रंट टायर रखे हुए हैं। और
इस टायर को हमने रियर के लिए सेलेक्ट किया है, ये C8 का माइलेज है। जेपर ग्रिप वाले इस टायर को हम फ्रंट के लिए ले रहे हैं, यह C8 का सिक्योरा जूम प्लस है। इसका साइज है 2.75x48P जो हमारी व्हीकल कंपनी के रिकमेंड के अनुसार है। इसका ये जो बीच का सतह है, एक दो वर्षों तक इसका 1 इंच चौड़ा भाग ही सड़क के संपर्क में रहेगा और इस कारण यह अच्छा माइलेज देगी और ऊपरी सतह पर गोटी कटिंग नहीं होने के कारण यह बबलिंग या जर्किंग भी नहीं करेगी। ये जो इसका एरो कटिंग है, ये बरसात में सड़क पर जमे हुए पानी को हटाकर स्पीड को बरकरार रखेगा। और आइए अब हम रियर टायर को भी देख लेते हैं। इस टायर को आप फ्रंट और रियर दोनों में यूज कर सकते हैं। और ये है हमारा पसंद किया हुआ रियर टायर। आप देख रहे हैं लगभग सभी कंपनियों ने इस डिज़ाइन में और इस गोटी में टायर को मार्केट में उतारा है। इसका यही कारण है कि इस टायर की डिमांड ज़्यादा है और ये टायर फ्रंट और रियर दोनों में यूज होता है। और ये है वो टायर जिसे हमने पसंद किया है। ये C8 का माइलेज है, हम इसे रियर के लिए लेंगे। और यहाँ देख रहे हैं इसके अलावे भी फ्रंट और रियर के ढेर सारे टायर यहाँ रखे हुए हैं। ये हाई स्पीड व्हीकल के लिए फ्रंट और रियर टायर। और ये मोटी गोटी कटिंग वाले टायर हैं यहाँ, जो ऑफ रोड के लिए हैं। और बरसात में खेत खलियानों तक जाने वाले व्हीकल में ऐसे टायर फ्रंट और रियर दोनों में लगे होते हैं। हालांकि ये टायर माइलेज नहीं देते हैं, किंतु खेती किसानी में ये टायर व्हीकल के साथ लगने पर काफ़ी मदद करते हैं। अगर स्कूटी या स्कूटर के टायर की बात करें तो उसके चुनाव में भी लगभग उन्हीं बातों को ध्यान में रखना पड़ता है जो हमने बाइक के टायर सिलेक्शन में जिन बातों को ध्यान में रखा है। ये सभी टायरें स्कूटर या स्कूटी में लगती हैं और ये रियर टायर हैं, ये मोटी गोटी वाले रियर टायर जो स्कूटी में ऑफ रोड काम आते हैं। और यहाँ कुछ फ्रंट टायर भी रखे हुए हैं जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर है। ये 2-3 टायर फ्रंट के हैं। ये स्कूटी में अच्छा माइलेज देते हैं और अच्छा टिकते भी हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ रियर के भी टायर और ये फ्रंट के टायर, ऊपर में रियर टायर जिसकी बहुत अधिक डिमांड है। यहाँ भी फ्रंट और रियर टायर एक साथ मिलाकर रखा गया है। टायर की अच्छी तरह जांच करने और गारंटी वारंटी के बारे में जानकारी लेकर ही टायर खरीदें और पक्का रसीद लेना नहीं भूलें। इस प्रकार हमारे टायर खरीदने की प्रक्रिया पूरी हुई और टायर के बाकी विशेषताओं के बारे में हम घर पहुंचकर चर्चा करेंगे। और ये रहा हमारा फ्रंट और रियर टायर। और ये जो फ्रंट टायर है, सड़क पर चलते समय इसके बीच का प्लेन हिस्सा का 1 इंच चौड़ा भाग ही सड़क के संपर्क में रहेगा और इस कारण हमें बबलिंग या जर्किंग महसूस नहीं होगा। और बबलिंग जर्किंग नहीं होने के कारण ये अच्छा माइलेज भी देगा। और देख रहे हैं आप, इसमें गहरी कटिंग की गई है। इसके किनारे की जो कटिंग है वो बरसात में सड़क के पानी को दूर करेगी और छोटी कटिंग हमें टर्न लेते समय फिसलने से बचाएगी। लेकिन टायर में गोटी नहीं होने के कारण हमें टर्न लेते समय या रेतीली सड़क पर सावधानी बरतनी होगी। अब आइए रियर टायर की बात करते हैं।
इसे भी हमने काफ़ी विचारने के बाद ही सेलेक्ट किया है। इसकी कटिंग भी बहुत गहरी है, कटिंग गोटी का साइज भी मीडियम है, इस कारण यह ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों के लिए बेहतर है। इसकी गोटी की बनावट ऐसी है कि सड़क पर चलते समय इसका यही हिस्सा सड़क के संपर्क में रहेगा। ऊपर से प्लेन होने के कारण बबलिंग और जर्किंग की संभावना भी बहुत कम है, और हमें लगता है कि ये लोडिंग में भी अच्छा बैलेंस और माइलेज देगा। इसके किनारे की कटिंग गोटी जो है वो हमें फिसलने से रोकेगी। कुल मिलाकर देखें तो हमने फ्रंट और रियर टायर को संतुलित करने का पूरा प्रयास किया है। आपने वीडियो में हमारा साथ दिया, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।